हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z5 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप जो है स्टेटस बार को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं और इसे रीसेट भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में स्टेटस बार ओपन करना है। ठीक है, ऊपर की साइड से आप अपना स्टेटस बार ये ओपन कर लीजिए। आपका स्टेटस बार होता है जिसमें आपको ये सभी आइकन आपको दिखाई देते हैं। आपको स्टेटस बार का फुल पेज ओपन करना है। आपको लेफ्ट साइड के यहाँ पर नीचे की साइड आपको ये पेंसिल का ऑप्शन दिखाई देता है, पेंसिल पे सेलेक्ट करना है तो आपका स्टेटस बार इस तरीके से फुल पेज में ओपन हो जाएगा। आपको नीचे की साइड ये जो आइकन दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले नीचे वाले आइकन आपको आपके स्टेटस बार में शो नहीं होते हैं। ठीक है, आप इन सभी नीचे वाले आइकन्स को ऊपर की साइड आप जो है ऐड कर सकते हैं अपने स्टेटस बार में और इन्हें यूज भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐड कैसे करना है, आपको नीचे में से कोई सा भी आइकन आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, तो यहां पर मैं एग्जांपल के लिए इसे डेटा सेवर के आइकन पे उंगली से दबा के रखता हूं और इसे ऊपर की तरफ आपको ड्रैग करके कहीं पर भी रख देना है। ठीक है, ध्यान रखिए कि ये जो होल्ड एंड ड्रैग लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर वाली कैटेगरी में आपको कहीं पर भी रख देना है। ठीक है, तो ये डेटा सेवर का आइकन देखिए मैं आपको दिखा देता हूं बैक करके। देखिए डेटा सेवर का आइकन यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब बाकी सारे आइकन्स भी अपने स्टेटस बार में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी आइकन को अपने स्टेटस बार से हटाना है तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहां पर जो है ना कोई सा भी आइकन ऊपर की साइड से आपको जो है ना उंगली से दबा के रखना है। जैसे मान लीजिए मैं ऑटो रोटेट का आइकन यहां पर मैं उंगली से दबा के रखता हूं ऑटो रोटेट का और नीचे की साइड आपको लाके पुट कर देना है। ठीक है, तो आपको पुट कहां पे करना है, होल्ड एंड ड्रैग के नीचे वाली कैटेगरी में आपको कहीं पर भी पुट कर देना है तो आपका स्टेटस बार से वो आइकन आपका हट जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऑटो रोटेट का आइकन आप स्टेटस बार में देख सकते हैं, यहां पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वो नीचे वाली कैटेगरी में मैंने उसे रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने स्टेटस बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको स्टेटस बार को रीसेट करना है तो आपको करना क्या है, ये जो 3 डॉट का ऑप्शन होता है सबसे ऊपर, इसे आपको टैप करना है। एक रीसेट का पेज आएगा छोटा सा, इसे आपको टैप करना है तो आपका स्टेटस बार रीसेट हो जाएगा। यहां पे सिर्फ आपका स्टेटस बार रीसेट होगा, आपका पूरा मोबाइल फोन रीसेट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए स्टेटस बार रीसेट होने से होता क्या है, आपका जो स्टेटस बार जो है रीसेट होने जब भी होगा, जैसे ही हो जाएगा स्टेटस बार रीसेट, तो वो आपके मोबाइल फोन की डिफॉल्ट सेटिंग के अकॉर्डिंग फिर से सेट हो जाता है। ठीक है, फिर से सेट होने का मतलब देखिए ऑटो रोटेट का आइकन ऊपर आ चुका ऑटोमेटिक और डेटा सेवर का आइकन नीचे जा चुका ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये सेटिंग जो है ना, इस तरीके से आप स्टेटस बार की कस्टमाइज कर सकते हैं और इसे रीसेट भी कर सकते हैं।